खबर अब दिल्ली एनसीआर से, जहां पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। सुबह से ही कई इलाकों में घना कोहरा दिख रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के भी पार है। सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली एनसीआर में GRAP 3 की पाबंदियां भी लागू कर दी हैं। ऐसे में दिल्ली में आज की तस्वीर क्या है, इंतजाम क्या कहते हैं, दिल्ली में ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार हो गया है। जगह जैसे कि आनंद विहार हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सेंट्रल दिल्ली में भी इंडिया गेट के आसपास एयर क्वालिटी 400 के पार चल रही है और कई जगह पर 350-400 के आसपास चल रही है। दिल्ली की आबोहवा बहुत ख़राब श्रेणी में है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश से कहूँगा कि पैन करके एक शॉट दिखाएँ पार्लियामेंट बिल्डिंग का, और बीच में धुंध आपको साफ दिख सकती है। NO2 लेवल, SO2 लेवल ये सब बढ़े हुए हैं। साथ ही साथ जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, ये इनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और ख़ासकर जो एस्थमेटिक हैं, जिनको सांस की बीमारी है, उनको तो दिक्कत हो ही रही है। ऐसे में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि स्कूल्स को बंद किया जाए और भी कई रिकमेंडेशन आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली ने ग्रैप 3 के नियम लागू किए हैं। इसका मतलब कि कई कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर बैन, जो उनका मलबा एक जगह से दूसरी जगह जाता है उस पर बैन, जो BS4 डीजल के व्हीकल्स हैं उस पर बैन, और ऐसे तमाम तरह के बैन लगाए गए हैं, पाबंदियां लगाई गई हैं। इन पाबंदियों से अब देखना होगा कि कितनी हवा की क्वालिटी सुधरती है। वैसे उम्मीद तो बहुत कम ही जताई जा रही है, लेकिन इसके अलावा क्या किया जा सकता है। बड़ी एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है अगले हफ्ते, एक बड़ी सुनवाई होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इन सरकारों से पूछेगा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी को जवाब देना पड़ेगा। आपको साथ साथ बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तो फटकार लगाई ही थी, केंद्र सरकार के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को टूथलेस टाइगर कहा था, मतलब दंतहीन, उसमें कोई ताकत नहीं है। उसके बाद केंद्र सरकार ने भी कई CAQM गाइडलाइंस पॉलिसीज बनाई थी, जिस पर पराली जलाने पर ज़्यादा कॉम्पेंसेशन किसानों को देना पड़ेगा, तरह तरह के प्रतिबंध केंद्र सरकार ने भी लगाए थे। अब देखना होगा इन सभी प्रतिबंधों के बावजूद कितना असर दिल्ली की आबो हवा पर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश के साथ मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़।